नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ और ये मुद्दा सारे सीए स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। सर, पिछले 3-4 दिनों से मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज फ्लोट हो रहा है सर कि जिंदल सर, आपका क्या ओपिनियन है इंस्टीट्यूट के एग्ज़ामिनेशन एंड ईवैल्यूएशन प्रोसेस को लेके। तो बेटे, इसमें ओपिनियन वाली कोई बात ही नहीं है। इंस्टीट्यूट 200% गलत है सर, 100% भी नहीं, 200% गलत है। ये जो YouTube के ऊपर इतने सारे टीचर्स ने अपने अपने स्टूडेंट्स की स्टोरी शेयर की है, ये बहुत बड़ी बात है। एज अ टीचर मेरा क्या सोचना है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टूडेंट के साथ भी अगर इंस्टीट्यूट की लापरवाही या एग्ज़ामिनर की लापरवाही की वजह से एक स्टूडेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है और उसको जो नंबर मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, वो जो डिज़र्व करता है उसको नहीं मिलते, तो इससे बड़ा क्राइम और पाप नहीं है सर। और ये मुद्दा सेंसिटिविटी का भी है सर। अगर इंस्टीट्यूट दिल से सोचे तो इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि जब वो एक बच्चे को फेल करते हैं लापरवाही से, तो एक बच्चा फेल नहीं हो रहा वहाँ पर एक फैमिली फेल हो रही है। एक बच्चा एक फैमिली की होप होता है सर, और जब आप एक बच्चे को गलत तरीके से फेल करते हैं तो उस पूरी फैमिली की होप ख़त्म कर देते हैं आप। ये बात स्टूडेंट की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है सिर्फ, ये बात फैमिली से कनेक्टेड है। आप एक पूरे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये तो पेरेंट्स ही जानते हैं कि वो बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 20 साल से हूँ। मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, 2022 आ गया। मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर्स को भी जानता हूँ सर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स भी बहुत सारे देखे हैं मैंने। ये पता है हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम जो कोचिंग में हैं, जो टीचर्स हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम इनको 50 तरह के सुझाव दे चुके, जब भी किसी मीटिंग में किसी पार्टी में मिलते हैं 50 तरह के सुझाव देते हैं, इनका क्या रिएक्शन होता है पता आपको? अरे भाई, तुम तो कोचिंग वाले हो, तुम तो स्टूडेंट्स की नज़र में हीरो बनना चाहते हो, तुम तो अपना धंधा चमकाना चाहते हो, तुम्हारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपकी बात में क्या सच्चाई है, हम कैसे माने? हम जो बात इनको बताते हैं सुनना ही नहीं चाहते। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है सर। और अगर ये बात मान लें कि टीचर बच्चे के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये जो बात कह रहा है ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट की तरफ से बोल रहे हैं, तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। पर ये सुनेंगे नहीं सर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटे। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, जिंदल सर आपको क्या लगता है कहाँ प्रॉब्लम है? तो बेटे, प्रॉब्लम है एग्जामिनर के पैनल में। देखो, मैं करता हूँ सीधी बात, मेरे पास घुमावदार बातें हैं नहीं। जब से ये न्यू कोर्स आया है तब से मुद्दा ज़्यादा खड़ा हो गया सर। पेपर चेकिंग में गलतियाँ ज़्यादा कब से पता लगनी शुरू हुई है? जब से न्यू कोर्स आया। गलतियाँ ओल्ड कोर्स में भी थी, पर न्यू कोर्स में हद हो गई सर। पेपर चेक करने में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। उसका रीज़न है एग्ज़ामिनर्स का पैनल। मैं बहुत सारे एग्ज़ामिनर्स को जानता हूँ जो पहले ओल्ड कोर्स के पेपर चेक किया करते थे और आज वो न्यू कोर्स के पेपर चेक कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे ने, मैं अगर अपने पेपर की बात करूँ, पहले वो ओल्ड कोर्स में AS के पेपर चेक करता था, आज वो IND AS के पेपर चेक कर रहा है। AS की नॉलेज रखने वाला बंदा IND AS के पेपर कैसे चेक कर देगा? और उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसने न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार नहीं किया, तो वो न्यू कोर्स का पेपर कैसे चेक कर देगा, आप बता दो मुझे। तो उसके पास एक ही उम्मीद है, एक ही तरीका है उसके पास, इंस्टीट्यूट से जो आंसर की आती है वो आंसर की देखता है, उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है आंसर तो दे दिया, नंबर नहीं मिलता तो उसको तो कुछ आता ही नहीं। जब AS से IND AS कन्वर्ट हुए थे, 2018 में नया सिलेबस आया था, तो एक बैच तो मैंने भी ड्रॉप किया था कि मैं भैया पढ़ूंगा पहले। उसके बाद नवंबर 2018 के लिए बैच दिया था मैंने, मई 18 के लिए बैच ही नहीं दिया था मैंने। मैंने बोला जी मैं तो पहले 6-7 महीने आराम से बैठ के पढ़ूंगा फिर देखूंगा। प्रॉब्लम सारी एग्जामिनर के पैनल में है सर। इनके पास ओल्ड कोर्स के पेपर चेक करने वाले एग्ज़ामिनर हैं, वही न्यू कोर्स के पेपर चेक कर रहे हैं। पेपर चेक करने में प्रॉब्लम नहीं है, उनके अपडेशन में प्रॉब्लम है। वो लोग अपने आप को अपडेट कर नहीं रहे, जब उनको आता जाता कुछ है नहीं न्यू कोर्स में, तो वो इंस्टीट्यूट की आंसर की के हिसाब से पेपर वही मिला। ऐसे तो मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर मैं चेक कर देता हूँ, लाओ
अगर आंसर की मिला मिला के चेक करना है तो, और यही हो रहा है सर। 16 में से बच्चे को 12 नंबर मिल सकते हैं स्टेप मार्किंग के क्वेश्चन में, 4 नंबर 5 नंबर, क्यों? क्योंकि उस जो पेपर चेक कर रहा है उसका IQ लेवल ही ऐसा है। स्टडी मटेरियल का लेवल है यहाँ, इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने स्टडी मटेरियल ये बना, ये धांसू वाला वर्ल्ड क्लास, पेपर का लेवल है यहाँ, और एग्जामिनर का IQ लेवल कहाँ है? यहाँ। बताओ कैसे मैच करोगे आप? तो मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट से दो बातें कहना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, उन सारे एग्जामिनर्स को बाहर निकालो जो ओल्ड कोर्स में पेपर चेक करते थे और वो न्यू कोर्स में अपने आप को अपडेट करके नहीं आए, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए वो पेपर चेक करने आ जाते हैं। तो सर, एक ओल्ड कोर्स को चेक करने वाला बंदा न्यू कोर्स का पेपर चेक नहीं कर सकता, सिर्फ वही एग्जामिनर पेपर चेक कर सकता है जिसको न्यू कोर्स की नॉलेज है। मैं आपको सीधी बात टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। अब मान लो एक CA फाइनल का बच्चा है और वो CA बना है न्यू कोर्स में, तो उसको पता है ना स्टडी मैट में वो क्या पढ़ के आया है और कहाँ क्या अजम्पशन प्रजम्पशन लग सकती है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं राउंडिंग ऑफ की, एंट्रीज के, नेट ऑफ की, सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो पुराने एग्जामिनर्स को हटाओ जिनको नॉलेज नहीं है सर न्यू कोर्स की। मेरी बात समझ रही? नंबर 2, इंस्टीट्यूट को अपने एग्जामिनर्स का जो पैनल है उसमें एग्जामिनर अपॉइंट करने से पहले उनका भी टेस्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है जी, देखो, और उनका टेस्ट कम से कम बेसिक लेवल पे तो ले लो कि कुछ आता जाता है भी कि वहीं आगे मुंह उठा के पेपर चेक करने के लिए बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही है। तो इंस्टीट्यूट को एग्जामिनर का भी एक टेस्ट रखना चाहिए, बेसिक टेस्ट, और जो उस टेस्ट को पास करेगा वो एग्जामिनर के पैनल में आएगा। नहीं जी, पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूट को पेपर चेक, पेपर की चेकिंग शुरू होने से पहले अपने एग्जामिनर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए। बोर्ड ऑफ स्टडीज से कराओ ना ट्रेनिंग ऑनलाइन कि भाई आपको क्या क्या चेक करना है पेपर की चेकिंग के टाइम पे, बच्चे से क्या उम्मीद करते हो आप वो बताओ बच्चे को। आप जब आपने सेक्शन वाइज मार्क्स की स्कीम बता दी कि भाई इतने इतने इन 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 चैप्टर्स में से हम इतने इतने नंबर का पेपर पूछेंगे, तो उसको ये भी बता दो कि भैया हम आपसे क्या चाहते हैं, क्वेश्चन में थ्योरी कितनी चाहते हैं, प्रैक्टिकल कितना चाहते हैं। तो बच्चे से आप डिमांड, बच्चे को डिमांड बता दो, बच्चा पूरी कर देगा, बच्चे को नॉलेज है, बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा है, वो कर देगा आपकी डिमांड पूरी। मतलब ये हुआ कि अब बच्चा हाथ जोड़ के भगवान से ये प्रार्थना करे कि हे भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, पहली प्रार्थना। दूसरा, मेरा पेपर किसी 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 अनपढ़ आदमी के हाथ में ना जाए। मैं तो यही बोलूँगा, सॉरी अगर मेरी वर्ड्स गलत हैं, तो बच्चा तो सर यही बोलेगा कि भगवान मेरा पेपर भी अच्छा हो जाए और किसी अच्छे बंदे के हाथ में जाए जो मेरे साथ इंसाफ करे। ये कोई बात है यार, बताओ। इंस्टीट्यूट क्या कहता है, बाकी बच्चे पास नहीं हो रहे क्या, हम सबको फेल कर रहे हैं क्या? भैया आप सबको फेल नहीं कर रहे, अगर आपके एग्जामिनर के पैनल में एक एग्जामिनर भी गलत है और उसकी लापरवाही या उसकी कम नॉलेज की वजह से एक बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो भाई गलत है। जो बच्चा पास हो रहा है हमें, हमारा वो कंसर्न है ही नहीं, जिस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है हमारा कंसर्न तो वो है, वो भी क्यों हो रही है भाई, वो पढ़ के आ रहा है। एक बच्चे के, एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर हैं, 55, 55, 55, 39। अब मुझे बताओ क्या करें उस बच्चे का, 55, 55, 55, 39, एक नंबर की वजह से आपने उसको फेल कर दिया, वो चारों पेपर दोबारा पढ़ेगा, एग्जम्पशन है नहीं, ग्रुप दोबारा पढ़ेगा। अब कितना पेनफुल है ये, वो सारी किताबें जब दोबारा उठाएगा एक नंबर की वजह से, और जब चेक करते हैं अरे यार इसके तो नंबर ही गलत लगे हुए हैं, इसको 40 मिल सकते थे, कितनी बड़ी बात है ये। तो भैया थोड़ा सा सेंसिटिव होकर सोचो, CA का कोर्स है, बहुत मुश्किल है, बच्चे दिन रात एक करके पढ़ते हैं, आपने कोर्स बनाया बहुत बढ़िया, स्टडी मटेरियल आपका वर्ल्ड क्लास, नॉलेज आपकी वर्ल्ड क्लास, तो भैया उसका रिजल्ट भी तो बढ़िया दो ना, जो लोग आपने पेपर चेक करने के लिए रखे हैं उनका उनका लेवल भी तो आप बढ़ाओ ना। तो मेरी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि न्यू कोर्स में सिर्फ वही एग्जामिनर पेपर चेक करें जो न्यू कोर्स पढ़ा हुआ है, और उनका सिलेक्शन होने से पहले उनका एक टेस्ट होना चाहिए। अगर आप रूट पर काम कर लेते हो ना, आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि जो बंदा नया सिलेबस पढ़ के आ रहा है और जो इंस्टीट्यूट का बेसिक टेस्ट पास करके आ रहा है,
तो सिर्फ वही लोग आएंगे पेपर चेक करने के लिए जिनको सब्जेक्ट से प्यार है। जो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आते हैं वो सब लोग भाग जाएंगे। और जितने लोग काबिल हैं जो सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मेरे को अपने सब्जेक्ट से प्यार है, अकाउंट्स है, FR है, मेरा प्यार है, मेरे को कहीं भी खड़ा करो तो मैं इसी की बात करूँगा। जब इस तरह से लोग मिलेंगे आपको, और वही बच्चे के साथ जस्टिस कर सकते हैं सर। तो मुझे इंस्टीट्यूट से सिर्फ एक ही डिमांड है, भैया अपना एग्जामिनर का पैनल ठीक कर लो। मुझे पता है आपने बात सुननी नहीं है, आपके कानों तक हमारी बात पहुंचती नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोलते रहेंगे, आपको मेल्स लिखते रहेंगे, आप सुनो या ना सुनो। तो सर ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था कि बच्चे को बता पाऊँ कि कुछ एग्ज़ामिनर्स की वजह से ये सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर उन एग्ज़ामिनर्स को ही हटा दिया जाए, सिस्टम सुधारा जा सकता है। और ये इंस्टीट्यूट को इनिशिएट करना पड़ेगा सर। ना हमारे बच्चों में कोई कमी है, दिन रात पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा CA में है और मुझे कोई बोले कि ये पढ़ता नहीं है, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। फाउंडेशन का बच्चा लापरवाही कर सकता है, इंटर का बच्चा लापरवाही कर सकता है, लेकिन जब बच्चा फाइनल में आ जाता है ना, हम इस बात को नहीं मानते कि वो नहीं पढ़ता, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। बाकी मैं ICAI से जाते जाते फिर एक और गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना एग्ज़ामिनर्स का पैनल ठीक करो। और मैं उन एग्ज़ामिनर्स को आत्मचिंतन करने के लिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उस पेपर को चेक करने की, तो प्लीज़ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ना आए। ये बात एग्ज़ामिनर को खुद सोचनी चाहिए कि प्लीज़ आप बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है पेपर चेक करने की, आप प्लीज़ पेपर चेक करने के लिए इंस्टीट्यूट में आओ ही मत। कोई 20-50 लाख रुपए से क्या हो जाएगा आपका यार? आप बच्चे की क्यों लाइफ ख़राब कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।